जय जोहर संगारी हो, मैं अपन के छोटे बहनी रीना देवांगन आप मन नंबर यूट्यूब के चैनल में स्वागत है। जोहार है तो संगारी हो अमन कैसे हो, आशा करत हूँ कि आप मन सब जन बने बने हो, स्वस्थ हो, मस्त हो। तो फिर हम मन सभी जन बने बने हैं। तो आज हमारे घर तीर के मंदिर है भी माता रानी के, जो मंदिर बने हुए हैं तो वहाँ पास हम आज माता रानी के हमारे सिंगार चढ़ाए पर जाने वाला हैं। तो मम्मी में और मोर पति देव हम तीनों जन जाबो मंदिर माता रानी के सिंगार चढ़ाई के लिए। तो फिर अब हम चलो। तो फिर मम्मी हाँ काका सिंगार रखे माता रानी में चढ़ाई के लिए, ओला में आप मतलब दिखावत हो। तो अब मम्मी हाँ माता रानी में सिंगार चढ़ाई के लिए सिंगार के सामान मतलब ये तैयार करके रख डाले हैं मम्मी हाँ। तो फिर ये दे नारियल रखे है, चुनरी और पाउडर आलता, और ये दे भगवान जी में चढ़ाई के लिए फूल, और ये दे और फूल थोड़े है, और ये दाल अगरबत्ती, और इसने करके मम्मी हम बहुत सारे ऐसे सामान रखे है थाली में। तो थाली के सामान हाँ पूरा तरीक़े से रेडी हो चुके हैं सिंगार के सामान हाँ माता रानी में चढ़ाई के लिए। अब मम्मी और मैं हाँ हमन दोनों जन हाँ मंदिर जाए पर निकलत हन, और हमारे मन के साथ में मोर पति देह भी मंदिर जावत है। तो हमारे मंदिर हाँ पर घर के कुछ ही दूरी में हावे, तो चलो संगवारी हूँ आप मतलब में चल के दिखावत हूँ। अब हम पहुँच गए हैं मंदिर। तब मंदिर के पास नल हेवे, तो वही में हम मंदिर जाए से पहली हम पैर अपन धोवत हन। तो ये देखो अब हम पहुँच चुके हैं अपन माता के दरबार में। तो देखो माता के दरबार है कितना सुंदर लगत है। तो चलो संगवारी हो एक बार जयकारा बुलवा दो, बोलो माता रानी की जय। अब माता रानी के दरबार में जाए पर एदे में हाँ प्रणाम करत हूँ। माता रानी के साइड में ही एक चौरा बने हुए है, वहाँ पे तुलसी माता ला रखे। तो वहाँ पे तुलसी माता ला में ही सबसे पहली मैं हाँ प्रणाम करत हूँ। ओकर बाद मैं हाँ मेन मंदिर जाऊँ दुर्गा माता के मंदिर में, तो वहीं से मैं सबसे पहले प्रणाम करत हूँ माता रानी के चढ़े से पहली मैं हाँ। तो फिर ये देखो संगवारी हो ये हरे हमार माता रानी, देखो कितना सुंदर लगत है वे। ओकर मंदिर भी मस्त सजे है फूल मन से, और माता रानी है तक वो लाल वस्त्र में सजे हुए है। तो ये देखो मम्मी अभी सिंगार चढ़ाई के लिए सिंगार में माता रानी ला छुआवत है। तदूर से ही छुआया जाते है कबर की लेडीज मन हाँ अष्ट हुमन के बाद ही माता रानी के अंदर में जाके दर्शन करते। माता रानी के पास में ही यदि जमारा मन बोआए है वे। तो चलो संगवारी हो आप मन भी हमार मन के साथ में पूजा करत हो, तो आप मन भी हमार वीडियो में बने रहो। तो यहाँ पे हुमन के सामग्री रखा हुए है, तो मम्मी हाँ माता रानी ला हुमन देवत है और प्रणाम करत है। तो सबसे पहले ये मम्मी हाँ अगरबत्ती जला थे, तब महू हाँ मम्मी के साथ में मम्मी के हाथ लगाता हूँ पूजा करे के लिए। अब हम करत हन पूजा मम्मी के साथ में। तो चलो संगवारी हो आप मन भी हम मन के साथ वीडियो में बने रहो। अब माता रानी के पूजा करे के बाद में अब हम आ गए हैं ज्योति कक्ष में, जहाँ पे माता रानी के ज्योत मल्ला जलाए है वे। तो मम्मी हाँ पूजा करत है और प्रणाम करत है मम्मी के बाद में, फिर मैं हाँ पूजा करूँ और माता रानी के प्रणाम करूँ, आशीर्वाद लूँ माता रानी से। तो ये देखो संगवारी हो माता रानी के दरबार में कितना सारा ज्योत मन है जले हुए है, कितना मस्त लगत है माता रानी के ज्योत मन है जलत था। तो ओकर बाद में पति देह भी होम देवत है और माता रानी से आशीर्वाद लेवत है। अब हम ना पूजा पाठ कर डले हैं, तो घर जाके समय मम्मी हाँ माता रानी से आशीर्वाद ले लेते हूँ करके मम्मी हाँ आशीर्वाद लेते हैं माता रानी से। और ए साइड मंदिर वाले चाचा हा वो भी हमारे लाए हुए सिंगार ला माता रानी ला चढ़ा थे, और मऊ माता रानी से
आशीर्वाद ले ले रहा था। अब माता रानी में सिंगार चढ़ाए के बाद में एरे चाचा जी हा हमन ला माता रानी के प्रसाद के रूप में चुनरी दी सेवे। अब मम्मी हा माता रानी मन ला छोटे छोटे माता रानी मन ला प्रसाद देवत है और का मन के प्रणाम करत है। मम्मी हा छोटे छोटे बच्चा मन ला बहुत मानते माता रानी के ही रूप में देखते। तो देखो बच्चा मन भी कितना खुश होगी से मम्मी हा प्रसाद दी से। तो सबो बच्चे मन ला प्रसाद बांटा थे मम्मी हा। तो ये देखो संगवारी हो यही हरे जो हमारा माता रानी के हमारा प्रसाद के रूप में मिले है। तो अभी हमन हा हमारे घर के पास के मंदिर ही से माता रानी के वहाँ से हमन हा माता रानी के हमन सिंगार चढ़ा के हैं। तो अभी थोड़ा सी दूर में हमारे घर के थोड़ा सा ही दूर में ही अब माता रानी रखा है विराजमान है। तो फिर वहाँ भी हमारा सिंगार चढ़ाया बढ़ जाओ अभी मम्मी के साथ में। तो फिर चलो आपन भी हमारे वीडियो में बने रहो आप मन भी हमारे मन के साथ में माता रानी के दर्शन करो। मम्मी हाँ माता रानी के श्रृंगार के तैयारी कर थे ले जाए के लिए। तो ये देखो आप मन हाँ मम्मी हाँ माता रानी के श्रृंगार के लिए थाली ला तैयार कर डले हवे। तो ये रखे हैं नारियल फूल और ये श्रृंगार के सामान और माता के लिए चुनरी और दाल मिर्ची चावल और अगरबत्ती आलू और ये सब सामान रखे हैं मम्मी हाँ थाली में। एला माता रानी ला हमने चढ़ाई के लिए जाबो जो हमारे घर के पास है थोड़ा से दूर में माता रानी हाँ वहीं पास हमन जाबो आज। ते देखो अब माता रानी के श्रृंगार के लिए चढ़ाई के लिए सामान हाँ पूरा तरीका से तैयार हो चुके हैं। तो मम्मी पूरा तरीके तैयार कर डले हवे। अब हमन हाँ माता रानी के दरबार में जाए बन हमन हाँ निकल चुके हैं। तो घर के पास में ही जहाँ पे दुर्गा पंडाल बने हुए हैं वहाँ पास हमन जात हैं। तो ये देखो दुर्गा पंडाल के साइड में ही हनुमान जी के मूर्ति हनुमान जी के मंदिर भी बने हुए हैं वे। तो पहले हमन हाँ दुर्गा माता की पूजा करबो ओकर बाद में हनुमान मंदिर में हमन हाँ जाओ पूजा करे के लिए। तो साइड में ही ये बाना मर रखाए हुए है ओ बाना के ही हम मम्मी और मैं हम दोनों जन मिल के प्रणाम करत हैं। तो ये देखो संगवारी हो अब हमन जात हैं मंदिर के अंदर। तो ये हरे महामाया माता रखे हुए है। तो हमर माता रानी के दरबार में पंडा महाराज जी हा तको बैठे हावे। तो देखो संगवारी हो हमर माता रानी के दरबार हा कतना सुंदर लगत है और माता रानी भी कतना सुंदर लगत है वे एकदम मस्त दिखत है। तो आप मल्ला बताना चाहते संगवारी हो कि ये रायपुर के महामाया माता हरे जिला मूर्ति के रूप में यहाँ पे स्थापित करे गए है। तो चलो तो फिर अब हम ना माता रानी के पूजा करते हैं। तो हम ना कैसे पूजा करते हैं माता रानी के तेला देखे बार आप मन हमारे वीडियो में बने रहो संगवारी हो।
तो ये देखो आप मन हाँ, हमार माता रानी के दरबार में ही जमारा बोआ है। तो जमारा मन कितना सुंदर लगत है, हरा हरा एकदम मस्त ही लगत है। संगवारी हो माता रानी के दरबार में टुकनी मन में और छोटे छोटे और टुकनी मन में पूरा बोआ है वे। और साइड में ही माता रानी के दीपक जलत है। अब हमन हाँ माता रानी के पूजा करे के बाद में अब हमन हाँ हनुमान मंदिर में भगवान जी के पूजा करे के लिए। तो बोलो चंगवारी हो जोर से एक बार बोलो बजरंग बली की जय। और माता रानी के पूजा करे के बाद में ये हनुमान भगवान जी के भी पूजा करे के बाद में अब हमन जात हन अपन घर। चलो फिर चलथन अपन घर। तो अब मना हमार घर तीर के पास में ही दुर्गा माता के मंदिर आवे। तो वहाँ से मन दर्शन कर डले हाँ कि ओकरे ही थोड़ा से ही दूर में ही दुर्गा पंडाल है जहाँ पे दुर्गा माता रखा है। तो वहाँ से भी हमन हाँ दर्शन करके हमन आ गए हैं घर में। और आप मन भैया दर्शन करवा डले हो संगवारी हो। तो फिर अब माता रानी के दरबार से जो हमन ला प्रसाद मिले रही से वो प्रसाद ला मैं हाँ मम्मी ला मम्मी पापा और मो पति देव तीनों झला में हाँ एक एक करके मैं प्रसाद देत हूँ और प्रणाम करत हूँ। तो ये देखो अब पति देला में हाँ प्रसाद देत हूँ और कर प्रणाम करत हूँ आशीर्वाद लेत हूँ अपन पति देव से में हाँ। तो माता रानी के दर्शन करे के बाद में घर आए के बाद में मैं बनात हूँ खाना बनावा हूँ। तो ये एक साइड रख डले हूँ मैं कुंदरू के सब्जी ला और वो एक साइड रख डले हूँ चावल ताकि मैं खाना हाँ जल्दी बन जाए। और चावल तो ऐसे पक गए हैं और कुंदरू हाँ थोड़ा से बचे हैं। हमारे यहाँ रसा वाले खाते करके मैं रसा वाला बनात हूँ। ऐसे तो मुझे सूखा सब्जी पसंद है कर देता हूँ ढक देता हूँ अब कुछ ही टाइम में पक जाएगी मोर सब्जी। हाँ तो संगवारी हो आज के हमारे वीडियो हो बस अपने तक रही सावे। तो आप मन हमारे वीडियो हो कैसे लगी सावे तो आप मन कमेंट करके जरूर पता हो। और हमारे वीडियो हो पसंद आए हो तो लाइक कर दो और शेयर कर दो और अपन हमारे चैनल ला सब्सक्राइब करे बर झन भुला हो। इसने नया नया वीडियो देखे बर अपन हाँ यूट्यूब के घंटी के बेल आइकन ला अपन हाँ ऑल में जरूर सेट कर लो। तो फिर जय जोहार संगवारी।